में भोजपुरी में कभी नहीं। यहाँ लड़कियाँ सच में फंस जा रहा है, टपोरी टाइप के लड़के नहीं होते जो सिंगरों के साथ घूमते हैं। वो लोग ना क्या करते हैं, देखेंगे कोई मॉडल नहीं आई है तो ये लोग उससे बात करने लगते हैं, धीरे धीरे उससे अटैचमेंट बनाने लगते हैं, उसका नंबर ले लेते हैं, फिर उसको मतलब चिकनी चिकनी चौपटी बातें करते हैं और वो उनके बातों में आ जाती है। भोजपुरी को लेके कितने सारे मैटर चल रहे हैं तो लोग फैमिली वाले देखते हैं तो उनको भी टेंशन आता है ना कि यार अभी जो आकांक्षा का मैटर चला था आपने देखा था किस तरीके से बिचारी के साथ ये सब चीज़ें हुई, मार दिया गया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भोजपुरी कभी ना अश्लील थी और ना है और ना रहेगी। कहते हैं कि भोजपुरी में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, आसानी से लड़की को मिल जाता है। नहीं नहीं मिलता है, देखिए आज के डेट में मिल जा रहा है। अच्छा, जो लड़कियाँ अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं उन लोगों को क्या कहना? मैं तो यही कहूंगी कि दुनिया भर का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, अब वहाँ पे खुद कमा सकती हैं एल्बम से ज़्यादा। एल्बम में कोई कमाई नहीं, दबाया जाता है यूपी बिहार के लोगों को, खास करके मुंबई में ज़्यादा दबाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। भोजपुरी में जिस तरीके से अश्लीलता फैली हुई है और वहीं जिस तरीके से आए दिन सुनने और देखने को मिलता रहता है, और उसी को लेकर आपको बता दें कि कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे और ख़ासतौर पर लड़कियाँ भोजपुरी में जाना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि भोजपुरी की एक्ट्रेस बने, वो फिल्मों में दिखे, भोजपुरी फिल्मों में काम करे, लेकिन जिस तरीके से अश्लीलता देखने को मिलती है उसकी वजह से कई सारे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को नहीं जाने देते हैं। लेकिन वहीं इस वक्त हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस चंदा पांडे जी मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका जो करियर है वो कैसे इतना आगे बढ़ा है। अच्छा, जिस तरीके से आप भी भोजपुरी में आई हुई है, एक एक्ट्रेस है, तो जब आप अपने परिवार की तरफ से कहती होंगी कि मुझे भोजपुरी में जाना है तो उनका रिएक्शन कैसा था? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, कैसी हैं आप? सब ठीक है, आप बताइए। मैं भी एकदम मस्त। अच्छा, भोजपुरी को लेकर आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, मेरा ड्रीम था बिहार में रहना और मैं हूँ, मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है और इतना लोग प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ की भी बहुत खुशी और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर ये प्यार बना रहे। तो आपका करियर कैसा रहा, जब स्टार्टिंग में आप भोजपुरी में आई हैं तो कैसा लगता होगा आपको, डर लगा होगा? हाँ बिल्कुल डर लगा, अगर हम किसी भी फील्ड में जानते हैं जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं, अचानक से हम वहाँ जाते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज जो यहाँ का भाषा था थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम था, मुझे नहीं बराबर समझ में आता था क्योंकि मुंबई में रे तू करके बात करते हैं, इधर आ ये क्या कर रहा है तू, वैसा वैसा, तो यहाँ पे वो ऐसा लैंग्वेज नहीं चलता, यहाँ पे प्यार से सबको एकदम मीठी लैंग्वेज में बात करता है। दिखता है भोजपुरी में? हाँ बिल्कुल, का हो कैसन बानी ऐसे करके जब बात करते हैं, भोजपुरी से ही अब कमा रहे खा रहे हैं तो बिल्कुल भोजपुरी तो मुझे पहले से भी पसंद थी और आज भी बहुत पसंद है। परिवार से कितना सपोर्ट मिला आपको? परिवार से स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में, पूरे खानदान में आपको बता रहे हैं कि कोई इस फील्ड से नहीं है। तो आप कैसे इधर आ गए, भोजपुरी का ख्याल कैसे आया? मैं एक्चुअली बचपन से ही टीवी वगैरह ये भौजी नंबर वन चलता था बहुत ज़्यादा तो मेरे घर में मम्मी कभी कभी देखती थी तो मैं भी मम्मी के साथ बैठ के खूब देखती, तो मम्मी मार के भगाती थी मत देख मत देख, ठीक है, लेकिन मुझे मज़ा आता था और मैं देखती थी सब गाते वाते थे। उस टाइम कल्लू जी बहुत छोटे थे, अरविंद अकेला कल्लू बहुत छोटे थे उस टाइम, मैं भी शायद फिफ्थ में कि सिक्स्थ में थी जब वो भी छोटे थे, उस टाइम की बात बताई जब वो टीवी पे गा रहे थे, मैं उस टाइम देखी तो मैं बोली कि बताओ इतने छोटे छोटे बच्चे लोग आके गा रहे हैं तो हम गा ही नहीं जा सकते, हम भी तो छोटे ही हैं ना, ऐसे करके मेरा सपना था और सपना ऐसे सजाते सजाते इतने बड़े हो गए हम लोग। फिर मैंने बोला कि नहीं अब तो मैं ज़्यादा दिन तक अब मम्मी के भरोसे बैठूंगी तो मम्मी तो कभी जाने नहीं देगी। तो कैसे शुरुआत की? फिर मैंने मतलब बहुत वहाँ पे जॉब वगैरह तो मैं करती थी, कुछ पैसे मेरे पास थे 10-12 हज़ार रुपये, वो पैसे से मैंने अपने टिकट कराए ट्रेन में और वहाँ से फिर मैं मतलब मुंबई, वहाँ से लोकमान्य तिलक कुरला से मैं ट्रेन पकड़ के पटना आई, पहले बनारस गई, फिर बनारस में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, कुछ टाइम जॉब किया मैंने बहुत सारा मतलब। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भोजपुरी में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, आसानी से लड़की को मिल जाता है। नहीं नहीं मिलता है, देखिए आज के डेट में मिल जा रहा है इसलिए क्योंकि इंस्टा पे लड़कियां डांस वांस कर रही हैं, वीडियोस वगैरह बना रही हैं, इधर उधर सिंगर लोगों की आईडी टैग कर दे रही हैं तो लोग देख ले रहे हैं, कोलैब उठा ले रहे हैं, तो उससे लोगों को आसान हो जा रहा है एक दूसरे का पहचान करने में, एक दूसरे को जानने में। लेकिन पहले तो नहीं था ना ऐसा, पहले टिकटॉक के वीडियोस हम बनाते थे, अगर किसी कलाकार के पास पहुंच गया तो वो कभी लाइक कमेंट्स कर देगा तो थैंक यू हम लोग लिख देते थे बस, और उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। बाकी अब है कि लोग कोलैब कर रहे हैं, बात हो रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बात हो रहा है, तुरंत नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले रहे हैं लोग, तो बस काम मिल जा रहा है उन्हें आसानी से। अच्छा, भोजपुरी में जिस तरीके से अश्लीलता फैली हुई है उसे कैसे देख रही हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो भोजपुरी कभी ना अश्लील थी और ना है और ना रहेगी, ठीक है,
रही बात है काम, सबका गाना, एल्बम, मूवी, जो भी चीज़ें हैं, मैं तो उस चीज़ों को पहले से बचपन से पसंद कर रही हूँ। और मुझे यही लगता है ना कि जैसी मेरी नज़र होगी और जैसी मेरी सोच होगी, सामने वाला भी मुझे वैसा ही दिखेगा। तो हर इंसान में दो प्रकार का आत्मा होता है, एक बुरी आत्मा और एक अच्छी आत्मा। तो आपके अंदर कौन सी आत्मा, आप कौन सी नज़र से देख रही हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो अपने काम को हमेशा से और अपने जनता को भगवान मानी हूँ और अपने काम को सब कुछ मानती हूँ और मैं वो लाइफ टाइम मानूंगी। कई सारी लड़कियां हैं जो कि भोजपुरी में आना चाहती हैं, वो चाहते हैं कि भोजपुरी में एक्ट्रेस बने वो, लेकिन उनके परिवार वाले जो होते हैं वो उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि भोजपुर जाना है तो कहीं और चले जाओ, कोई भी फील्ड चूज कर लो लेकिन भोजपुरी कभी चूज मत करना। बिल्कुल सही बोलते हैं आपके पेरेंट्स जो भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए माँ बाप डरते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं भोजपुरी को लेकर कितने सारे मैटर चल रहे हैं, तो लोग फैमिली वाले देखते हैं तो उनको भी टेंशन आता है ना कि यार अभी जो आकांक्षा का मैटर चला था आपने देखा था किस तरीके से बिचारी के साथ ये सब चीज़ें हुई, मार दिया गया। उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ, आज इसका हस्बैंड छोड़ दिया, कल उसका हस्बैंड छोड़ दिया, बहुत सारे मैटर। यहाँ लड़कियाँ सच में फंस जाती हैं, जाल में फंस जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चमचे चेले होते हैं, कुछ ऐसे टपोरी टाइप के लड़के नहीं होते जो सिंगरों के साथ घूमते हैं, वो लोग ना क्या करते हैं, देखेंगे कोई मॉडल नहीं आई है, कम बोल रही है, क्योंकि अब कोई नहीं है तो वो कम ही बोलेगी, वो किसी को जानती नहीं, किसी के बारे में जानती नहीं तो वो कम बात कर रही है, तो ये लोग उससे बात करने लगते हैं, धीरे धीरे उससे अटैचमेंट बनाने लगते हैं, उसका नंबर ले लेते हैं, फिर उसको मतलब चिकनी चिकनी चौपटी बातें करते हैं कि मैं आपका सपोर्ट करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके साथ काम दिलाऊँगा, वो करूँगा ये करूँगा, और लड़कियों को उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं रहता, सहारा नहीं रहता है, तो इसलिए वो उनके बातों में आ जाती हैं, सोचती हैं शायद अच्छा इंसान है, सपोर्ट करेगा। कोई आपके अंदर तो घुस के नहीं देखा ना कि आप कैसी हैं, मैं जो बोल रही हूँ मैं जैसी दिख रही हूँ आप देखा, चंदा जी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन मैं अंदर से कैसी हूँ दिल की वो आप नहीं जान सकती हैं। तो वैसे ही देखिए हर इंसान होता है, वो अंदर की बात किसी की समझ नहीं पाता, एक महीना, दो महीना, तीन महीना लगता है इंसान को समझने में। भोजपुरी में लड़कियों को आसानी से रोल मिल जाता है, उनके लिए आसान होता है? नहीं, बिल्कुल आसान, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि यहाँ पे ना किसी को भी काम मिलना, आपके अंदर खुद का हुनर है तो यार आजकल मैं तो सीधा कहती हूँ क्या जरूरत है भोजपुरी में आके डांस करना, काम करना, दुनिया भर का भोजपुरी में आई है। मैं तो स्टार्टिंग से आ चुकी हूँ, उस टाइम मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा। मेरे लिए अगर उस टाइम यूट्यूब होता, इंस्टा होता, दुनिया भर का प्लेटफॉर्म की तो जानकारी, मतलब पहले अगर आपको किसी ने ऐसा बोल दिया होता तो आप आती इसमें? अगर सच बोलूं मेरे पास अगर ये सब प्लेटफॉर्म का ऑप्शन होता ना तो मैं भोजपुरी में कभी नहीं, भोजपुरी में कभी नहीं आती, मतलब सही नहीं है भोजपुरी? बिल्कुल नहीं सही है। देखिए मैं जब जिस टाइम आई थी ना, मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ, मेरे पापा नहीं थे, मैं जॉब करती थी, मेरे पास एक बड़ा फ़ोन तक नहीं था, मैं सोशल मीडिया ये सब दुनियादारी नहीं जानती थी, ठीक है, मैं को बस ये था कि मुझे टीवी पे आना है और टीवी पे आना है तो एल्बम करना पड़ेगा। टीवी पे तो किसी और से भी आ सकती थी, सीरियल कर सकती थी। सीरियल मैंने क्राइम पेट्रोल किया था मुंबई में, बहुत लंबी लाइन लगी थी वहाँ, बहुत बड़ा ऑडिशन के लिए, वहाँ पे ना इंसान दो दो तीन तीन बजे रात से बैठता है तो जाके सुबह एक मतलब कोई ऑफिस में बुला के ऑडिशन लेते हैं, वो भी बहुत इंसल्ट किया जाता है वहाँ पर, बहुत नीचा दिखाया जाता है खास करके यूपी बिहार के बच्चों को। नहीं जल्दी कोई जानते ना सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था, जो बिहार के थे बॉलीवुड में कलाकार जो थे, उनको कैसे किया उनके साथ लोगों ने, उनको रास्ते से हटा दिया। वैसे थोड़ा सा दबाया जाता है यूपी बिहार के लोगों को, खास करके मुंबई में ज़्यादा दबाया जाता है। अच्छा, लड़कियों के साथ व्यवहार कैसा रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? जैसी आप रहेंगे वैसा आपके साथ, जैसे आप रहेंगे। अच्छा, जो लड़कियाँ अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया भर का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, आप वहाँ पे खुद कमा सकती हैं एल्बम से ज़्यादा, एल्बम में कोई कमाई नहीं है, ये सपना मत रखिएगा। चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और वहीं आप इनके बातों से कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।